आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, इसे पहचानिए। अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखिए। सद्गुणों को सीखिए। आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने की चेष्टा करिए। आत्म तत्वों का नियमित रूप से ध्यान करिए, तभी आप उस अतीब गंभीर असीम आनंद एवं अमरत्व को पा सकेंगे। केवल तभी अमर पद तक पहुंच सकेंगे। इस शरीर को ही आत्मा समझ लेना सबसे बड़ा पाप है। इस भ्रमात्मक भाव को त्याग दीजिए। अविद्या और अज्ञान के गहन अंधकूप से बाहर निकलिए और अज्ञान रूपी सूर्य की जगमगाती ज्योति में स्नान करिए। इस ज्ञान में दूसरों को भी साथी बनाइए। अपवित्र इच्छाएँ और अविद्या आपको बहका देती है, अतः इसे भी कभी मत भूलिए कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार करना ही है। झूठे बाह्य आडंबरों और माया के मिथ्या प्रपंचों में मत फंसिए। कल्पना के मिथ्या स्वप्नों से जागिए। अर्थ होते सारहीन प्रलोभनों के जाल में न फंस कर ठोस और जीती जागती असलियत को ही पकड़िए। अपनी आत्मा से प्रेम करिए, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा या ब्रह्म है। यही सजीव मूर्तिमान सत्य है। आत्मा ही शाश्वत है, अतः आत्मा में ही स्थित होइए और आप ही ब्रह्म है, इसे पहचानिए। यही वास्तविक जीवन है। अखंड ज्योति, फरवरी 1951, पृष्ठ 9।